हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टेंस के असाइनमेंट का। टेंस का असाइनमेंट जो हमारा क्लासरूम असाइनमेंट है उसका एक क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। आई हैव बीन फेसिंग सम और अदर प्रॉब्लम सिंस आई हैव bought this car। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। बस एक छोटी सी बात बताता हूं, ये जो हमारा क्लास असाइनमेंट है उसमें हमने सिंस सबॉर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसको यहां पे बाद में लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबॉर्डिनेट क्लॉजेस कैन बी यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। आई हैव बीन फेसिंग सम अदर प्रॉब्लम सिंस आई हैव बॉट दिस कार। अब इसका क्वेश्चन समझने से पहले एक छोटी सी बात जो हमें समझ लेनी चाहिए वो ये कि सिंस वर्ड जो होता है इट इज अ कंजंक्शन, ये एक कंजंक्शन होता है एंड इट इज अ प्रेपोजिशन एज वेल, प्रेपोजिशन भी होता है। जब सिंस कंजंक्शन होता है तो इसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं किसी काम के होने के जाने के पर्पस को रेफर करने के लिए, कि कोई काम हम कर रहे हैं तो उसको करने का हमारा पर्पस क्या है, मतलब रीजन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, या पर्पस या रीजन जो भी क्या है। तब ये जो सिंस कंजंक्शन होता है ये बिकॉज का सिनोनिम हो जाता है। बिकॉज कंजंक्शन भी इसीलिए यूज किया जाता है, ये भी इसीलिए यूज किया जाता है, एज भी इसीलिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन सिंस का यूज हम प्रेपोजिशन भी करते हैं, सिंस मंडे, सिंस 9 AM, इस तरीके से। तो जब हम सिंस का यूज करते हैं एज अ प्रेपोजिशन तो ये टाइम पॉइंट्स को रेफर करता है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, तब हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब हो जाता है फ्रॉम। टाइम पॉइंट्स की प्रेपोजिशन ये होती है। एक एग्जांपल से बात मैं समझाता हूं। हमने एक सेंटेंस लिखा, दे गॉट लेट सिंस दे वर स्टक इन अ जाम। एक क्वेश्चन हमने लिखा, दे गॉट लेट सिंस दे वर स्टक इन अ जाम। अब हमने कहा दे गॉट लेट, लेट हो गया, अब लेट हो जाना रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट का कॉज क्या है, कॉज है स्टक इन अ जाम, जाम में फंस जाना। तो ये जो सिंस हमने यहां पे यूज किया ना, अगर हम देखें तो बिकॉज का काम कर रहा है, तो ये सिंस यहां पे कंजंक्शन है, हम इसको कंजंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं, दे हैव been playing since 9 AM, तो अब हम इस सिंस को कंजंक्शन नहीं कह सकते। सिंस को हम कंजंक्शन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो सिंस है इसके बाद में हमने कोई क्लॉज या फ्रेज नहीं लिखी। सिंस जब कंजंक्शन होता है तो ध्यान रखना सबॉर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए लिखे जाते हैं, उनके बाद हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखने पड़ते हैं। 9 AM जो है ना, ये टाइम का एक पॉइंट है, तो अगर ये टाइम पॉइंट है तो ये सेंस हमारा प्रिपरेशन हो गया, तो ये सेंस प्रिपरेशन हो गया। तो सेकंड सेंटेंस में, बी सेंटेंस में सेंस जो है वो प्रिपरेशन है, फर्स्ट सेंटेंस में जो है वो सेंस कंजंक्शन है। अब हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, सी आई हैव हैड दिस कार सिंस आई केम टू दिल्ली। अब अगर हमें इस सेंस का पता करना हो, ये क्या है भाई, ये जो हमने सेंस लिखा आई हैव हैड दिस कार सिंस आई केम टू दिल्ली, तो अब इस सेंस को हम क्या माने, प्रेपोजिशन माने या कंजंक्शन माने। तो देखिए कंजंक्शन तो हम इसे बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं, कंजंक्शन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, तो हम इसे कंजंक्शन कहेंगे। लेकिन जब हम टेंस का ये यूज जो हमें समझना है, ये हमें सीखना होता है, तो हमें सेंस को वहां पर उसके फंक्शन के बेसिस पर नहीं बल्कि उसके यूज किए जाने के पर्पज के बेसिस पर कैटेगराइज करना चाहिए कि अगर सिंस का पर्पज है, सिंस के यूज किए जाने का पर्पज है किसी काम के होने के रीजन को रेफर करना, देन यू कॉल इट अ कंजंक्शन। अगर सिंस का पर्पज है, मतलब सिंस को यूज किए जाने का पर्पज है टाइम के किसी पॉइंट को रेफर करना, देन यू कॉल इट अ प्रेपोजिशन, तो हम इसको एज अ प्रेपोजिशन यूज करेंगे। अब देखिए, आई हैव हैड दिस कार सिंस आई केम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया इसलिए मेरे पास कार है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ये कार मेरे पास इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली आ गया,
तो अगर हम दिल्ली नहीं आ जाते तो क्या हमारे पास दूसरी कार होती या कोई कार नहीं होती? ये मतलब रीजन नहीं हो सकता, दिल्ली आना उस कार के होने का रीजन नहीं हो सकता। तो अगर दिल्ली आना उस कार के होने का रीजन नहीं हो सकता तो हमें फिर इस दिल्ली आने को टाइम का पॉइंट मान लेना चाहिए। ऐसा देखो, सिंस आई केम टू दिल्ली का मतलब हम मान लो यहाँ पे लिख देते हैं 2009 या 2010, ऐसे आई हैव हैड दिस कार सिंस 2010। तो अब वो जो 2010 हमने लिखा ना, वो एक पर्टिकुलर ईयर है। अगर ये पर्टिकुलर ईयर है और टाइम पॉइंट है तो हम सिंस को यहाँ पे प्रिपरेशन मानेंगे। अब डिफरेंस कितना है, ये 2018 जो है ये कैलेंडर का एक पॉइंट है जिसको हम टाइम मानते हैं। अच्छा, आई केम टू दिल्ली एक इवेंट है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इवेंट्स जो होते हैं हम उनको भी पॉइंट ऑफ टाइम मान सकते हैं। मतलब अगर हम टाइम के किसी ऐसे पॉइंट को रेफर करें, ठीक है, जिसका हमें कुछ पता ना हो। सपोज मुझे अपना पता कि मैं 2010 में या 2009 में दिल्ली आया, लेकिन अगर किसी पर्सन को उस डे को रेफर करना हो, ईयर को रेफर करना, तो ईयर तो मुझे पता है कि इट वॉज 2009। लेकिन अगर मुझे उस डे को रेफर करना है, आई फॉरगॉट इट, अब मुझे वो डे याद नहीं है, या आवर रेफर करना है तो मुझे वो आवर याद नहीं है कि मैं किस घंटे दिल्ली में आया था, किस समय मैंने यहाँ पे लैंड किया। तो कहानी क्या है कि जनरली हम टाइम के पॉइंट्स उनको मानते हैं जो घड़ी या कैलेंडर पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आवर्स हैं, मंथ्स हैं, वीक्स हैं, ईयर्स हैं, सेंचुरीज हैं। बट समटाइम हम किसी ऐसे भी टाइम के पॉइंट को रेफर कर सकते हैं दैट इज नॉट नोन टू अस, मतलब वो हमारे दिमाग में नहीं है, वी डोंट नो इट। तो अगर कोई पर्सन दिल्ली आया और उसको ईयर रेफर करना है तो ऑब्वियस बात है वो ईयर बता सकता है, मंथ बता सकता है, मैं मंथ भी बता सकता हूँ, मैं दिल्ली कब आया, ठीक है, नवंबर में शायद। लेकिन अगर वो आवर बताना है तो कैसे बताओगे? जिस समय दिल्ली में लैंड किया वो आवर तो मुझे याद नहीं है, डे भी याद नहीं है, ठीक है, मंथ ईयर याद है। तो अगर उस मैं डे को रेफर करना चाहूँ तो मैं कैसे रेफर करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, उस इवेंट को ही पॉइंट ऑफ टाइम मान लूंगा, वो जो इवेंट हुआ, ठीक है, उस आवर पे या उस डे पे, उस इवेंट के थ्रू उस टाइम को रेफर कर दूंगा। तो आई केम टू दिल्ली जो ना, कमिंग टू दिल्ली एक टाइम का पॉइंट है। तो अगर ये टाइम का पॉइंट है तो हम इस सेंस को प्रीपोजिशन मानेंगे। अब देखो होता क्या, सिंस जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ये तो सबको पता है कि सिंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम टाइम के उन पॉइंट्स को रेफर करने के लिए जहां से कोई काम स्टार्ट हुआ होता है। देखो जैसे मैंने ये लिखा ना कि सिंस जो प्रीपोजिशन होती है इसका मतलब हमें फ्रॉम मानना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम क्यों मानना चाहिए? क्योंकि सिंस प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं टाइम के उस पॉइंट को रेफर करने के लिए जहां से कोई एक्शन स्टार्ट होकर आगे चला जाता है। तो मतलब ये जो पॉइंट है ना जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ, ये सिंस है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई एक्शन होगा और हमें ये रेफर करना है कब तक होगा, तो फिर हमें उसको अंटिल के थ्रू एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो अंटिल और सिंस में डिफरेंस क्या होता है कि सिंस का यूज करते हैं बिगनिंग के लिए जहां से एक्शन स्टार्ट होकर आगे जाता है, फ्रॉम, और अंटिल का यूज करते हैं टाइम के उस पॉइंट को रेफर करने के लिए जहां तक वो एक्शन होता है। मान लो एक्शन यहां से स्टार्ट होकर यहां तक होगा, तो इस पॉइंट को रेफर करने के लिए हम सिंस नहीं अंटिल प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो सिंस वो पॉइंट टाइम का जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ, अंटिल वो पॉइंट टाइम का जहां पे जाके वो कंप्लीट होगा या फिनिश होगा या जो भी हुआ, ठीक है। तो जब भी हम सिंस का यूज करते हैं टाइम के किसी पॉइंट को रेफर करने के लिए, तो वो टाइम का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई एक्शन स्टार्ट होकर आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है। आगे कंटिन्यू वो तब तक रहता है जब हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस कह दूं, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 PM, तो जो सिंस 2 PM है ना, इससे हमें टाइम का वो पॉइंट पता चल गया जहां से काम स्टार्ट हुआ, लेकिन हुआ कब तक? टिल नाउ, अंटिल नाउ। तो हम इसको ऐसे मान लेंगे अंटिल नाउ, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक। तो सिंस का यूज किया जाता है तब जब टाइम के किसी ऐसे पॉइंट को रेफर करना हो जो पास्ट का है, वहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और उस पॉइंट तक वैलिड है जिस पॉइंट पर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, बात करने का टाइम हमेशा ही बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है। जब तक मेंशन ना किया जाए तब तक हमेशा मानना चाहिए कि रिपोर्टिंग का टाइम जो होता है वो प्रेजेंट ही होता है हमेशा। तो अगर हम ये लिख रहे हैं आई हैव एट दिस कार सिंस आई केम टू दिल्ली, तो ये सिंस हमारा प्रिपोजिशन है, दिल्ली आना टाइम का एक पॉइंट है, वहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ जो उस समय तक जब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस में। अब क्या होता है, जब कोई एक्शन उस समय जब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस में हो, तो हमको उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई हैव बीन वेटिंग, लेकिन अगर सिंस फॉर लिखे हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखना पड़ता है। तो हमने इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिया, क्योंकि ये एक्शन अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट है और आगे भी प्रोसेस में रहेगा, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं परफेक्ट टेंस लिख दिया। अब परफेक्ट टेंस लिखने की वजह ये कि जो हैव वर्ब होती है, जब इसका यूज हम पोजेशन शो करने के लिए करते हैं तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। तो जिन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता उनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, तो उन वर्ब्स को हम लिख देते हैं परफेक्ट टेंसेज में, ठीक है।
तो आई हैव हैड दिस कार सिंस आई केम टू दिल्ली. अगर यहां पर हैव हैड ना होता और कोई ऐसी वर्ब होती जिसका कॉन्टिन्यूस टेंस बन पाता तो हम इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते, आई हैव बीन ड्राइविंग दिस कार सिंस आई केम टू दिल्ली, ऐसे. तो कुल मिला के जो हमें समझना है वो ये कि जब हम सिंस प्रिपोजिशन का यूज टाइम के पॉइंट्स का रेफर करने के लिए करते हैं तो जिस इवेंट को हम टाइम का पॉइंट मान लेते हैं वो हमें पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ता है, लेकिन जो एक्शन वहां से स्टार्ट होता है और आगे कंटिन्यू रहता है, ठीक है, वो हमें प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना पड़ता है. ओके, ये है बात हमारी, कब हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, कब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं, ये आप लोग जानते होंगे, सिखाया जा चुका है, ठीक है. अब हम अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं. इस क्वेश्चन में ये जो सेंस है हमारा, इसको अगर हम प्रेपोजिशन माने या कंजंक्शन माने, सबसे पहले हमें ये पता करना है, क्योंकि अगर हम कंजंक्शन माने तब तो ये सेंटेंस सही भी हो सकता है. क्यों सही हो सकता है, देखो मैं आपको बताता हूं. सपोज हमने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव नॉट इन्वाइटेड हिम सिंस वी हैव ब्रोकन अप. ऐसे लिख दिया, आई हैव नॉट इन्वाइटेड हिम सिंस वी हैव ब्रोकन अप. अब देखिए, मैंने उसको इनवाइट नहीं किया, व्हाई, व्हाई डिडंट आई इनवाइट हिम, क्यों नहीं इनवाइट किया, झगड़ा हो गया, जो भी है, ठीक है. तो ये जो व्हाई यहां पे हमने लिखा है ना, इसका मतलब ये रीजन या पर्पस है नहीं इनवाइट किए जाने का. तो अब हम सिंस को कंजंक्शन मानेंगे, प्रिपोजिशन नहीं. अब अगर सिंस कंजंक्शन हो और मेन क्लॉज हमारी पास्ट में हो, मेन क्लॉज अगर पास्ट में हो तब तो सबॉर्डिनेट क्लॉज पास्ट में लिखनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो जैसे कि ये है तो यहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी टेंस लिख दो, तब तो ये सही है. लेकिन अगर हम इस सेंस को कंजंक्शन न मान के प्रेपोजिशन माने, कि मान लीजिए हमने बहुत सी पार्टीज की हैं, बहुत से सेलिब्रेशंस किए हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको नहीं बुलाया, उसको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उससे हमारा झगड़ा हो गया, जो भी वजह हुई, तो अगर हम यहां पे सेंस को मान लें प्रेपोजिशन, तो हमें इस सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा, आई हैव नॉट इन्वाइटेड हिम सिंस आई के वी ही लिखना, वी हैव Since we broke up. अब देखो, जब हम since we broke up लिखेंगे ना, तो इस since को हमें preposition मानना पड़ेगा और ये time का point हो जाएगा past का. अभी ये reason है. अब समझना क्या है कि अगर ये invite नहीं किया जाना result है, तो जिस सिचुएशन का भी ये रिजल्ट है, क्योंकि जब सेंस का यूज करोगे एज ए कंजंक्शन तो सेंस के साथ लिखा गया स्टेटमेंट जो है ना वो रीजन होगा, मतलब कॉज होगा. हम ये इसको रीजन के बजाय कॉज लिख देते हैं, तो ये कॉज होगा. अच्छा, और ये इसका रिजल्ट होगा मेन क्लॉज में. अगर रिजल्ट प्रेजेंट टेंस में हो, ये टेंस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, टेंस में पढ़ाया जाता है, अगर किसी भी एक्शन का रिजल्ट प्रेजेंट टेंस में हो तो उस एक्शन को हमेशा हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है, क्योंकि जिसके एक्शन का भी रिजल्ट प्रेजेंट में होता है तो वो एक्शन पास्ट का होता है, लेकिन रिलेटेड टू प्रेजेंट होने की वजह से उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं. तो अगर हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लिख रहे हैं, यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट लिख रहे हैं, तो हमें यह मान के चलना चाहिए कि यह है कॉज और यह है रिजल्ट. चूंकि रिजल्ट प्रेजेंट टेंस में है इसीलिए हमने कॉज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है. लेकिन अगर हम सिंस को प्रेपोजिशन मान लें, जैसे कि इस बात वाले सेंटेंस में, कि हम उसको रीजन को नहीं टाइम को रेफर कर रहे हैं कि हमने उसको कब से नहीं बुलाया, ठीक है, तो सिंस के साथ लिखा गया टाइम हमेशा पास्ट का होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम सिंस यूज करते हैं तो वहां पर अंडरस्टूड टाइम होता, अंडरस्टूड मीनिंग हमारा होता है टिल नाउ. तो टिल नाउ का मतलब है वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में उस पॉइंट तक कंटिन्यू होगा जब हम उसकी बात कर रहे हैं. तो अगर हम सिंस को प्रेपोजिशन मानेंगे तो इसके साथ हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिंस का यूज हमेशा टाइम के उन पॉइंट्स को रेफर करने के लिए होता है जो पास्ट के हों. अच्छा, जो पास्ट के टाइम के पॉइंट्स होते हैं उनके लिए अगर हम कोई एक्शन यूज करेंगे तो वो एक्शन भी पास्ट का होगा, पास्ट का एक्शन होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा. तो ये हमें समझना है कि जब भी हम सेंस का यूज करते हैं टाइम के किसी पॉइंट को रेफर करने के लिए तो हमेशा पास्ट का होता है, अगर उस पॉइंट को रेफर करने के लिए कोई एक्शन यूज करेंगे तो वो भी पास्ट का होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा. अब कहानी क्या है, ये दोनों सेंटेंसेस ऐसे हैं कि हम इनको किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं. हम ये भी मान सकते हैं कि सेंस के थ्रू हम टाइम के पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, और ये भी मान सकते हैं सेंस के थ्रू हम कंजंक्शन को रेफर कर रहे हैं. अगर रीजन को रेफर कर रहे हो, अगर सेंस को कंजंक्शन मान लोगे कि ये किसी काम के होने के कॉज को रेफर कर रहा है तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, अगर सेंस को प्रेपोजिशन मान लोगे तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा. और हमें पता है ये सेंटेंस एम्बिगुअस है, हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं.
आई हैव नॉट इनवाइटेड हिम सिंस वी हैव ब्रोकन अप. मान लो हमारे घर पे कोई पार्टी हो रही हो, किसी ने हमसे पूछा कि भाई आपने उसको क्यों नहीं बुलाया, तो हमने बता दिया वी हैव ब्रोकन अप, हमारा झगड़ा हो गया इसलिए नहीं बुलाया. तो ये कॉज है नहीं बुलाने का. अच्छा, फिर मान लो हमारे घर पे चार पांच पार्टी हुई है, हम लोगों ने कई गेट टुगेदर किए हैं, लेकिन किसी एक पर्सन को एक बार भी नहीं बुलाया, और उसको तब से नहीं बुलाया जब से झगड़ा हो गया, तो वो टाइम का पॉइंट है. तो हम उसको ऐसे बोलेंगे, लिखेंगे आई हैव नॉट इन्वाइटेड हिम सिंस वी ब्रोक अप. जब से हमारा ब्रेकअप हुआ तब से हमने उसको इन्वाइट नहीं किया एक बार भी. तो ये सेंटेंस दोनों तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है. तो हम सिंस को कंजंक्शन मान सकते हैं, प्रीपोजिशन मान सकते हैं. प्रीपोजिशन मानोगे तो इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना, कंजंक्शन होगा तो अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी लिखना. ठीक है, अब आते हैं यहां पर. ये जो हमारे क्वेश्चन लिखा है आई हैव बीन फेसिंग सम और अदर प्रॉब्लम, इसमें हम सिंस को कंजंक्शन माने या प्रीपोजिशन माने? अगर कंजंक्शन माने तब तो कोई इशू ही नहीं है, सेंटेंस सही लिखा हुआ है. प्रीपोजिशन मान लोगे तो गलत है. अगर प्रीपोजिशन मान लेंगे हम इस सेंस को तो वो गलत है, और हमें आई हैव बॉट दिस कार की जगह बॉट दिस कार लिखना पड़ेगा. क्योंकि अगर सेंस प्रीपोजिशन है तो इसके साथ लिखा गया एक्शन हमेशा पास्ट का होता है, और उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखने पड़ते हैं. अब ये हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा. क्या वास्तव में सफर करने का वजह कार का खरीदना हो सकता है? और आंसर है ऑफ कोर्स हो सकता है. भाई कोई भी पर्सन है, कार नहीं खरीदी होती तो परेशानी नहीं होती, उल्टी सीधी कार खरीद ली, पुरानी कार खरीद ली, उसकी वजह से परेशानी उठा रहे. तो कार का खरीदना जो है वो परेशानी उठाने का या परेशान होने का रीजन हो सकता है, कॉज हो सकता है, कि हमारी परेशानी का कॉज है कार को खरीदना. तो अगर वो कार का खरीदना जो है वो कॉज है तब तो ये सेंटेंस सही लिखा. ठीक है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन है तो गलत लिखा. अगर सिंस प्रीपोजिशन है तो हैव बॉट की जगह में बॉट लिखना पड़ेगा. खैर, अब आते हैं मुद्दे की बात पे. मुद्दे की बात देखो क्या है. मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव रिटन द लेटर. दूसरा लिखा, आई एम राइटिंग द लेटर. तीसरा लिखा, आई हैव बीन राइटिंग द लेटर. ठीक है, और ये तीनों सेंटेंस हमने लिखे, आई हैव रिटन द लेटर, आई एम राइटिंग द लेटर, आई हैव बीन राइटिंग द लेटर. ठीक है, इनमें से ये सेंटेंस सही, ये सेंटेंस सही, ये सेंटेंस गलत. ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस हमारा गलत है. देखो ऐसा समझना, ये सेंटेंस सही, ये सेंटेंस सही, ये सेंटेंस गलत. होता क्या है, जब हम परफेक्ट टेंस लिखते हैं ना तो परफेक्ट टेंस कंप्लीशन शो करते हैं. कंप्लीशन का मतलब एक एक्शन ऐसा जो हो गया. कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं तो इनकम्प्लीशन शो करते हैं. इनकम्प्लीशन का मतलब एक ऐसा एक्शन जो अभी भी प्रोसेस में है. अच्छा, जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं तो ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कंप्लीशन प्लस इनकम्प्लीशन. मतलब जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं ना, ये डुअल स्टेट होते हैं. मतलब इन दोनों को मिला के एक बना लिया, हैव रिटन, एम राइटिंग, दोनों को मिलाया, हैव बीन राइटिंग बना लिया. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो शो करता है कंप्लीशन प्लस इनकम्प्लीशन. अब सोचने वाली बात है कि तो बड़ी अजीब बात है, एक ही एक्शन कंप्लीट भी है इनकम्प्लीट भी, हाउ इज इट पॉसिबल? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो पार्शली कंप्लीट है, पार्शली इनकम्प्लीट है. मतलब एब्सोल्यूट कंप्लीशन नहीं है, एक पार्ट कंप्लीट है, एक पार्ट इनकम्प्लीट है. देखो जैसे मैंने लिखा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013 इन मुखर्जी नगर. ठीक है, तो मैंने सिंस 2013 लिख दिया. अब ये काम 2013 में स्टार्ट हुआ क्योंकि मैं इसके साथ में सिंस प्रिपरेशन लिख रहा हूँ, तो सिंस का मतलब ये एक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ. अच्छा, बात हम इसकी कब कर रहे हैं? प्रेजेंट में. प्रेजेंट का मतलब हो गया 2019 तो ये 2019 तक हुआ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया, अब नहीं हो रहा, ये अभी भी हो रहा है. मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ और अभी कुछ साल तक पढ़ाता रहूंगा. तो इसका मतलब बेसिकली जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो एक्शन इस ड्यूरेशन में कंप्लीट है, लेकिन अभी आगे भी चलता रहेगा तो इनकम्प्लीट भी है. तो हमें क्या करना है, ये शो करना पड़ेगा कि ये एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी वो चलता रहेगा प्रोसेस में आगे भी, लेकिन उसने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है. ये जो 13 टू 19 सिक्स ईयर्स का कंप्लीशन है, ये पार्ट कंप्लीट है. तो ये कंप्लीशन जो है ना, भले ये टोटल नहीं है, पार्सल है, लेकिन ये कंप्लीशन है. तो इस एक्शन का एक पार्ट कंप्लीट है, एक पार्ट इनकम्प्लीट है. अब ये बातें दोनों हम अगर बताना चाहते हैं एक साथ में कि कोई एक ऐसा एक्शन है जिसका एक पार्ट कंप्लीट है, एक पार्ट इनकम्प्लीट है, तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा. अच्छा, वो जो पार्ट कंप्लीट होता है उसका हमें पता तभी चल पाता है जब या तो हम वो पॉइंट लिखें जहां से वो एक्शन स्टार्ट हुआ, या वो ड्यूरेशन लिखें जितना वो हो चुका. ठीक है,
पॉइंट लिख देंगे तो ड्यूरेशन अपने आप पता चल जाएगी, ड्यूरेशन लिखेंगे तो पॉइंट अपने आप पता चल जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट लिखा है ड्यूरेशन लिखा, लेकिन अगर हम किसी इनकम्प्लीट एक्शन का पॉइंट या ड्यूरेशन लिखेंगे तभी हम जान पाएंगे कि उसका कितना पार्ट कंप्लीट हुआ। तो जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं तो वहां पे हमेशा हमें पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखना ही पड़ता है, मतलब आई हैव बीन राइटिंग द लेटर सेंटेंस गलत है जब तक ये ना बताओ कि इसका पार्ट कितना कंप्लीट हुआ है। और वो जो कंप्लीट पार्ट है वो तभी पता चल पाएगा जब या तो हम इसके साथ में ड्यूरेशन लिख दें या हम इसके साथ में पॉइंट ऑफ टाइम लिख दें। ठीक है, तो अगर चाहते हो इस सेंटेंस को कि ये सेंटेंस सही हो जाए जो कि अभी गलत है, तो इसको सही करने के लिए इसके साथ में कोई भी टाइम एक्सप्रेशन लिख दो, सिंस मॉर्निंग, सिंस 9 AM, ऐसे कुछ लिख दोगे तो सही हो जाएगा, और नहीं तो सेंटेंस रहेगा गलत। अब ये अगर बातें समझ में आएंगे तो उस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है, ठीक है, आई हैव बीन फेसिंग सम और अदर प्रॉब्लम। अब अगर ये परफेक्ट टेंस होता तब तो हम ये मान लेते कि चलो भाई वो सेंस हमारा कंजंक्शन है, लेकिन अगर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उस सेंस को हम कंजंक्शन नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम उसे कंजंक्शन मान लेंगे तो सेंस के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ जो हमें पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखने पड़ते हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे। तो अगर हम पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है अगर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हमें ये मानना चाहिए कि जो सेंस के साथ हम लिख रहे हैं वो पॉइंट है टाइम का, और ये सेंस हमारा प्रीपोजिशन है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना पॉइंट ऑफ टाइम या बिना ड्यूरेशन ऑफ टाइम के यूज नहीं होते, वो गलत हो जाते हैं। आप उनको यूज करोगे तो टेक्निकली हर बार गलत रहेगा, भले ही हम उसको सही समझ लें या दूसरा सही समझ लें, लेकिन वो सही हो नहीं सकते, टेक्निकली वो नहीं हो सकते। तो ये जो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख रहे हैं ना, इसके साथ जो हम लिख रहे हैं सिंस आई बॉट दिस कार, इसको हमें यह मानना पड़ेगा कि वो इसका पॉइंट ऑफ टाइम है जहां सेक्शन स्टार्ट हुआ। अगर सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करने के लिए यूज होगा एज अ प्रीपोजिशन, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा पास्ट का होगा, वो टाइम पॉइंट जिसको सिंस के थ्रू रेफर किया जा रहा है वो हमेशा पास्ट का ही होता है। अगर हम उसके लिए कोई एक्शन यूज करेंगे तो एक्शन भी पास्ट का होगा, पास्ट के एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, तो आंसर ये। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा आई हैव बीन फेसिंग सम और अदर प्रॉब्लम सिंस आई बॉट दिस कार। हालांकि ये इंटरप्रिटेशन काफी खींच गया, लेकिन चलो फिर भी ज्यादा से ज्यादा बातें समझ में आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलना चाहिए। जैसे कि मेरे एक सर थे वो कहा करते थे कि पढ़ना कम और समझना ज्यादा चाहिए, मतलब पढ़ो कम लेकिन समझो बहुत ज्यादा, क्वेश्चन एक डिस्कस करो लेकिन एक क्वेश्चन में सब कुछ कवर कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक सिचुएशन और देखते हैं। मान लो अगर ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना लिख के परफेक्ट टेंस में लिखा होता, आई हैव फेस्ड सम प्रॉब्लम्स सिंस आई हैव बॉट दिस कार। ठीक है, तो अगर इस सिंस को हम प्रीपोजिशन मान रहे हैं तो ये फिर से गलत है, बॉट लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसे कंजंक्शन मान ले तो ये सही है। अच्छा, अगर हम कंजंक्शन मान लेंगे तो सिंस का लिखा गया स्टेटमेंट टाइम का पॉइंट नहीं रहेगा, कॉज हो जाएगा। अगर वो कॉज हो जाएगा तो क्या ये उसका रिजल्ट हो पाएगा? ये बिल्कुल हो पाएगा। ठीक है, आई हैव फेस सम प्रॉब्लम्स कि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। अब प्रॉब्लम्स फेस करना जो है वो रिजल्ट है। क्यों प्रॉब्लम फेस की, कॉज क्या है भाई? तो कॉज है कि मैंने एक कोई कार खाया परेशान करने वाली, वो खरीद ली। तो अब इस सिचुएशन में हम सिंस को यहाँ पे कंजंक्शन भी मान सकते हैं। अगर हम इसको कंजंक्शन मान लेंगे तो ये टेंसेज बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन जब हम सिंस को प्रीपोजिशन के तरीके से यूज करेंगे तो उसके साथ हमेशा हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना लिखा होता, परफेक्ट टेंस लिखा होता, तो ये सेंटेंस सही होता। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख दोगे तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों तो सही है, आई हैव रिटन दिस लेटर, I have written the letter, I am writing the letter, लेकिन ये गलत है, I have been writing the letter। Perfect continuous tense कभी भी point of time या बिना duration of time के नहीं use होते। तो अगर हम ये मान लें कि since conjunction है तो ये हमारा tense गलत हो जाएगा। ठीक है, tense इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि perfect continuous tense बिना उसके duration के लिखा नहीं जाता, या तो उसको continuous बनाओ या उसको perfect बनाओ। और अगर perfect continuous tense लिखोगे तो उसके बाद point या duration of time जरूर लिखना पड़ेगा। तो इस sentence को सही करने के हमारे पास दो scope थे, या तो हम tense change कर देते आई हैव फेस्ड सम और अदर प्रॉब्लम ये लिख देते, या फिर हम उसको सही चेंज कर देते। जब भी कभी हमारे पास किसी एक सेंटेंस को दो तरीके से सही करने का ऑप्शन हो तो हमेशा करेक्शन बाद वाला किया करो। तो मतलब इस फर्स्ट सेंटेंस को सही करने का अकेला तरीका ये नहीं था कि हम हैव रिमूव करते, इसको सही करने का एक तरीका ये भी था कि हम उसको परफेक्ट टेंस बना देते। लेकिन अब जब हमारे पास दो ऑप्शन हो किसी एक सेंटेंस को सही करने के, तो करेक्शन हमेशा बाद वाला किया करो। मतलब ये कॉमन सेंस है और इसी के नंबर मिलते हैं। जो बच्चा पहले वाला करेक्शन कर देगा उसको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा उसको जिसने बाद में करेक्शन किया। क्योंकि हम इंग्लिश को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो जो लेफ्ट हम पढ़ते हैं उसे बेसिस मान के राइट का करेक्शन करना चाहिए। ठीक है, सो द क्वेश्चन एक्सप्लेन, थैंक्स एवरीबॉडी।
Meet you soon with the next question. Bye.